नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। 16 जनवरी 2021 का अंक भविष्यफल आपके लिए क्या लेकर आया है? सबसे पहले बात करते हैं मूलांक एक वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है एक। 16 जनवरी के दिन शनिवार है, शनिदेव का विशेष प्रभाव रहता है शनिवार के दिन, आप सब जानते हैं। मूलांक एक वालों के लिए सलाह ये है कि स्वभाव में किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन ना बढ़ने दें, शांति से जो भी काम करना चाहते हैं करते रहिए। अपने आप को व्यस्त रखना है और मस्त रहना है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम में लगे रहिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आज का दिन पूरे तरीके से खुद को व्यस्त रखने का है। मेष राशि वालों के लिए मूलांक एक वालों के लिए विशेष सलाह ये है कि किसी भी बात को लेकर के आज किसी से उलझना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है। बारी आ गई मूलांक दो वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 2। 2 नंबर वालों के लिए आज का दिन अनुकूल होगा। आपके कार्यों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जितना एनर्जी से भर करके आप अपने दिन का यूटिलाइजेशन करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यानी अपने पूरे समय का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। शनिवार का दिन है, यदि कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने घर परिवार वालों की सलाह से लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए विशेष सलाह ये है कि यदि कहीं पैसा लगाने का मन बना रहे हैं तो आज रुक जाइएगा। बारी आ गई अब मूलांक 3 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 3। 3 नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। बस 3 नंबर वालों के लिए सलाह ये है कि ईगो से बचिएगा, किसी भी कार्य व्यवहार में ईगो मत दिखाइएगा, डाउन टू अर्थ रहिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, दिन बहुत बढ़िया बीतेगा। बारी आ गई 4 नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 4। 4 नंबर वालों के लिए सलाह ये है कि आज का दिन शुभ है, पैसा कहीं से आपको मिल सकता है, आपके कार्यों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नए लोगों से मुलाकात का योग है। तो यदि कहीं मीटिंग है तो अपनी तरफ से डिले मत करिएगा, समय पर चले जाइएगा। बस ध्यान रखना है आपको, वाणी पर नियंत्रण रखना है, जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है। आप अपनी विद्वता के हिसाब से बातचीत करिए, जितना आपको नॉलेज है, ज्ञान है, उसको धारण करके गंभीरता से बात करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आज आपको मिलेंगे। बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 5। 5 नंबर वालों के लिए सलाह ये है कि 5 नंबर वाले यदि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो आज रुक जाइएगा। कार्य यदि डिले होते हैं तो मन में किसी भी तरह की खलबली नहीं मचानी है, मन को शांत रखना है। यदि दिमाग में टेंशन बढ़ रही है तो मन को शांत रखने के लिए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा तो आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा। पूरे दिन में आपको अपने काम पर फोकस बनाए रखना है, दूसरों की बातों पर ना ध्यान देना है, ना दूसरों की चीज़ों पर इंटरफेयर करना है। कोशिश करना है कि आप अपने ही ट्रैक पर चलते रहें, अपने ही काम पर लगे रहें। विशेष सलाह 5 नंबर वालों के लिए ये है कि यदि किसी से लेन देन कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो आज रुक जाइएगा। फाइनेंशियल मामलों के लिए आज का दिन उतना बढ़िया नहीं। बारी आ गई 6 नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 6। 6 नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यदि आप इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। यात्रा से लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार वालों का सहयोग आपको मिलेगा। विशेष सलाह ये है कि अनजान लोगों पर बहुत भरोसा मत करिएगा, अपने ऊपर भरोसा करिएगा तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं 7 नंबर वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 7 तारीख को हुआ है या 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 7। 7 नंबर वालों के लिए आज का दिन लक बढ़ाने वाला है, कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। बस आलस्य छोड़ करके काम करना है।
यदि मन में इस तरह के भाव हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन भावों से, नेगेटिव भावों से बचिएगा, नेगेटिव विचारों से दूर रहिएगा, पॉजिटिव सोच के साथ सात नंबर वाले काम करें, अच्छे रिजल्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। विशेष ख्याल क्या रखना है आपको, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपना खान पान ठीक रखिएगा। बारी आ गई मूलांक आठ वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की आठ तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है आठ। आठ नंबर वालों के लिए सलाह ये है कि आज का दिन आपके लिए शुभ है, काम आपके बनेंगे, बस लोगों पर बेवजह शक मत करिए, लोगों पर भरोसा करिए और अपने काम पर लगे रहिए, आपके मेहनत के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। आठ नंबर वालों के लिए विशेष सलाह है, यदि कहीं इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो उसके लिए दिन अनुकूल है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है, आज के दिन का लाभ आप उठा सकते हैं। बारी आ गई नौ नंबर वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की नौ तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नौ। नौ नंबर वालों के लिए आज सलाह ये है कि अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी का प्रयोग सकारात्मक कार्यों में करेंगे, नेगेटिव विचारों से बचना है, और हाँ, घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। विशेष सलाह ये है कि किसी भी बात को लेकर के अड़े मत रहिएगा, अपने विचार रखिएगा लेकिन सामने वालों के विचारों का भी सम्मान करिएगा। तो अंक भविष्यफल में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए जय श्री कृष्ण।